तो वहीं आदि बद्री धाम क्षेत्र में आबकारी विभाग द्वारा खोली गई शराब की दुकान को लेकर क्षेत्रीय जनता का आक्रोश अब बढ़ता ही जा रहा है। शराब दुकान के विरोध में क्षेत्रीय जनता ने एक शराब विरोधी संघर्ष समिति का गठन किया है और आदि बद्री में सरकार और शराब कारोबारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। संघर्ष समिति के लोगों ने चेतावनी दी कि जल्द शराब की दुकान बंद नहीं की गई तो धरना प्रदर्शन भी शुरू किया जाएगा। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस दुकान के कारण बच्चों में गलत आदतों का विकास हो सकता है और क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक गरिमा को ठेस पहुंच रही है। संघर्ष समिति के सदस्यों ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन भेजा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर 20 जुलाई तक इस दुकान को बंद नहीं किया गया तो वो बड़े पैमाने पर जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। क्षेत्रीय जनता का कहना है कि सरकार को इस क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को समझते हुए तुरंत शराब की दुकान को बंद करना चाहिए। जिस तरह से बद्रीनाथ या हरिद्वार या केदारनाथ वगैरह जो भी तीर्थ स्थल हैं, वैसे ही एक आदि बद्री प्रथम बद्री के रूप में माना गया है और है ये प्रथम बद्री आदि बद्री तथा जो है ये शराब की दुकान जो है यहाँ पे न खोली जाए। आदि बद्री में जो शराब की दुकान है उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए और यह है कि यहाँ पे मंदिर परिसर भी है और बाहर से आने वाले यात्री हैं, कई चीजों का है, उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए।